कि दिल्ली से चित्रकूट का 600 किलोमीटर की दूरी सिर्फ आप 6 घंटों में अब तय कर सकते हैं। प्रदेश को आज मिलने जा रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं अब से थोड़ी देर के बाद। यहां 11:30 बजे के आसपास ये उद्घाटन होने वाला है और 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे ये है उद्घाटन जिसका पीएम करने वाले हैं। चित्रकूट से शुरू होकर इटावा तक जाने वाले इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 296 किलोमीटर है और इस पर 14,850 करोड़ रुपए खर्च आया है। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि 36 महीने का वक्त निर्धारित किया गया था इस एक्सप्रेसवे को निर्माण करने के लिए, लेकिन ये 8 महीने पहले ही यह तैयार हो गया बनकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, लेकिन खासियत क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इसकी खासियत क्या है। नजर डालिए, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का रूट क्या होगा, जरा नजर डालिए। देखिए, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा, यहां से होकर ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा। यहां के लोगों को इससे काफी फायदा होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी इससे काफी बढ़ जाएगी और निश्चित तौर पर 75 साल का जो इंतजार था वो लोगों के लिए अब खत्म हो गया है और ये एक्सप्रेसवे वहां के लिए एक रोड मैप तैयार करेगा। किस तरह से 28 महीने में बनकर यह तैयार हो गया है, 36 महीने टारगेट रखा गया था, 8 महीने वक्त से पहले यह बनकर तैयार हो गया और इससे काफी खर्च भी कम हो गया। 12.72% कम खर्च में, कम लागत में यह बनकर तैयार हो गया, यानी कि 296 किलोमीटर लंबा और 4 लेन सड़क है जिसको बाद में अगर आप चाहें तो 6 लेन भी करने की योजना है, तैयारी है। तो यह भी एक अपने आप में कह सकते हैं कि विकास को गति देने वाला ये एक्सप्रेसवे है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की यह खासियत है, बड़ी बड़ी बातें। लेकिन और कुछ अगर आपको हम बता दें थोड़ा एडिशनल, तो ये काफी जगहों से होकर गुजर रहा है और अपने आप में ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये देखिए 4 लेन पेट्रोल पंप होगा, इसमें एम्बुलेंस 24 घंटे आपको मुहैया होगा किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए। और जो रूट, जो रोड मैप तैयार किया गया है वो चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और ये अब 4 तस्वीरों को आप देखिए, इससे समझिए कितना महत्वपूर्ण है। रेत पर बुंदेलखंड की यह संस्कृति भी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात। और सीधा इस वक्त हम रुक कर लेते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने पहुंचने वाले हैं, वहीं पर हमारे सहयोगी आज तक संवाददाता समर श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। समर्थ, क्या तैयारियां अभी देख पा रहे हैं, क्योंकि 75 साल का लंबा इंतजार था इस इलाके को कि जब एक्सप्रेसवे मिल जाए और आखिरकार वो अब घड़ी आ गई, यहां के लोगों को काफी फायदा होने जा रहा है, विकास की गति मिलने वाली है। आशुतोष, उत्तर प्रदेश की बंजर भूमि कहे जाने वाले बुंदेलखंड में अब दिक्कतों के बादल छटने वाले हैं, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे न केवल रास्तों को कम करेगा, जो वक्त का दरमियान है उसको कम करेगा, बल्कि कहीं ना कहीं विकास की रफ्तार को पर बुंदेलखंड वासियों को सवार करके ये आगे ले जाने वाला है। मेरी मौजूदगी आशुतोष इस वक्त उस जगह पर है जहां पर प्रधानमंत्री का आगमन होने वाला है, जालौन में, और मैं तस्वीरों के जरिए आपको समझाऊंगा कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर किस तरह की तैयारियां यहां से की गई हैं। आप अगर तस्वीरें देखेंगे तो मेरे पीछे आपको स्टेज नजर आएगा जिसको भव्यता से सजाया गया है, इसमें प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ सीएम जो है उनकी तस्वीर को लगाया गया है। पूरा जो स्टेज का थीम है उसको कहीं ना कहीं राष्ट्र ध्वज का थीम दिया गया है, जिसमें आपको ट्राइकलर्स नजर आएंगे, तीनों ही रंग नजर आएंगे राष्ट्रीय ध्वज के। इसके अलावा क्योंकि बुंदेलखंड की बात है तो बुंदेल के जो वीर रहे हैं, चाहे वो आल्हा उदल हो, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, उनके जो गीत हैं उनका वर्णन भी यहाँ पर हो रहा है, उनका बखान हो रहा है, उनकी वीरता का बखान हो रहा है। तो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर यहाँ तैयारियां पुरजोर है। और जिस पंडाल में जहां वहां के लोग क्या कह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया किस तरह से सामने निकल कर आ रही है, निश्चित तौर पर यहाँ इस इलाके के लिए एक उपलब्धि होगी क्योंकि बहुत लंबे वक्त से इंतजार था वहां के लोगों को, तो क्या कुछ किस तरह से खुश है वो। आशुतोष, यहाँ पर लोगों की खुशी ये है कि पहले जब एक्सप्रेसवेज बनते थे तो एक्सप्रेसवे तो बन जाते थे, पर जो किनारे का सर्विस लेन होती है वो कई बार बनने में या तो नहीं बनती थी या बनने में काफी साल लग जाते थे, पर ये एक्सप्रेसवे जब बना है तो उसके साथ ही साथ किनारे पे आप मानकर चलिए एक लेंथ दिया गया, एरिया दिया गया है जहाँ पर सर्विस लेन बनाई गई है। और लोगों की खुशी यही है कि भले ही एक्सप्रेसवे बन गया हो, गांव वालों के आवागमन में दिक्कत नहीं होगी, फसल होती है, गेहूं होता है, उसको इधर उधर ले जाना होता है, उसके लिए सर्विस लेन की जरूरत होती है और वो वहाँ बनी है, इसलिए गाँव वालों को बहुत सहूलियत। यही नहीं, जिन गाँव वालों के खेत उस एरियाज में आए हैं जहाँ पर एक्सप्रेसवे बना है उनको रीइंबर्समेंट यानी कि वो पैसा भी दिया गया है जो उनकी खेती किसानी का फसल का था वहाँ पर जहाँ पर एक्सप्रेसवे बना है, तो खुशी पूरे बुंदेलखंड में है। यही नहीं,
पर जो बीच का एरिया है वहां पर आयुर्वेदा को बढ़ाने, बिल्कुल इसी पे आ रहा था, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे की बहुत सारी खासियत अपने आप में बताई जा रही है। क्या कुछ खासियत है जो दूसरे एक्सप्रेसवे से अलग होंगी? और सबसे बड़ी बात कि जो नेता जो प्रधानमंत्री शिलान्यास कर रहे थे उन्होंने ही अब उद्घाटन करना है, तो ये अपने आप में देश भी देख रहा है, क्योंकि पहले अक्सर होता था कि शिलान्यास कोई और करता था, उद्घाटन कोई और करता था, लेकिन अच्छी बात है कि जिसने शिलान्यास किया अब उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो क्या एक्सप्रेसवे की इसकी खासियत है? आशुतोष, ये बात तो वही है कि जिस सरकारें उत्तर प्रदेश में जल्दी रिपीट करती नहीं है, इसलिए शिलान्यास कोई करता है, उद्घाटन कोई और करता है। खैर, ये राजनीतिक विषय आज नहीं है, पर कहने की बात यहाँ पर यह है कि 2020 में इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया और 36 महीने में ये पूरा तैयार होना था, पर इसको 28 महीने यानी कि कम टाइम में इसको कंप्लीट किया गया है। जब कोविड का समय था, माइग्रेंट वर्कर्स खाली घूम रहे थे, उनको उस वक्त इसके जरिए रोजगार भी दिया गया और तब ये काम मुस्तैदी से हुआ, जिस वक्त पूरा देश जो है बीमारी से जूझ रहा था। और यही रीजन है कि पहले के एक्सप्रेस वे जहाँ बनने में टाइम लगे, वही एक्सप्रेस वे कम समय सीमा में बना। इसकी लागत 14,500 करोड़ के ऊपर जरूर है, पर इसमें लगभग 11 करोड़ की बचत भी पूरे यूपीडा डिपार्टमेंट ने करी है, जिसको टोल वगैरह में आगे यूज करा जाएगा। जी आशुतोष, बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर अपडेट हम तक और दर्शकों तक साझा करने के लिए। आप नजर बनाकर रखें।